नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा पर हुए हालिया रिसर्च की, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति का एक नया सुराग वैज्ञानिकों को मिला है। वैसे तो मानव ने अपनी वैज्ञानिक प्रगति से चंद्रमा को हमेशा ही आकर्षक बनाए रखा है। हालांकि गैलीलियो के समय तक वैज्ञानिकों ने वास्तव में इसका अध्ययन शुरू नहीं किया था। लगभग 5 शताब्दियों के दौरान चंद्रमा ने शोधकर्ताओं को काफी आकर्षित किया। वहीं शोधकर्ताओं ने चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में कई तरह के सिद्धांतों को सामने रखा। अब हालिया रिसर्च में ईटीएच ज्यूरिक के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उत्पत्ति पर नई रोशनी डाली है तथा नई स्टोरी को प्रस्तुत किया है। इस पर जनरल साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक तथा इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी के मेंटल से हीलियम और नियान जैसी गैसें विरासत में मिली होंगी। यह खोज एक जाइंट इंपैक्ट के सिद्धांत पर बेस्ड है, जो यह अनुमान लगाता है कि चंद्रमा, पृथ्वी और किसी एक अन्य खगोलीय पिंड के बीच बड़े पैमाने पर टकराव से बना होगा। वही इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका तक उल्का पिंड का अध्ययन किया। तो ईटीएच ज्यूरिक के शोधकर्ताओं ने अपने शोध के दौरान नासा से प्राप्त चंद्रमा के उल्का पिंडों के करीब 6 नमूनों का विश्लेषण किया और उन उल्का पिंडों में बेसाल्टिक चट्टान पाई, जो तब बनी होंगी जब चंद्रमा में मैग्मा के आंतरिक भाग से ऊपर उठता होगा तथा वह ठंडा होने के बाद बेसाल्ट में परिवर्तित हो गया होगा। इस ठंडा होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मैग्मा में पाई जाने वाली अन्य खनिज तथा खनिजों के बीच चंद्रमा में कांच के कण भी बने होंगे तथा इनका निर्माण हुआ होगा। इस रिसर्च के निष्कर्ष इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी के लिए स्वदेशी गैसें विरासत में मिली होंगी। रिसर्च टीम के सदस्य विल कहते हैं कि पहली बार चंद्रमा से बेसाल्टिक पदार्थों में सौर गैसों का पता लगाना, जो चंद्रमा के सतह पर किसी भी जोखिम से संबंधित नहीं थी, एक ऐसा रोमांचक परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक कैसे चंद्रमा पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में खोज कर रहे हैं। इस पर ईटीएच ज्यूरिक के प्रोफेसर हैनर बुशमैन कहते हैं कि यह जानना बहुत जरूरी है कि नासा के करीब 70,000 जो एक्सेप्टेड उल्का पिंडों के विशाल काय संग्रह है, उनके अंदर हमें कहाँ देखना चाहिए, अर्थात किस चीज़ की स्टडी करना चाहिए। इसकी स्टडी एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है। मैं दृढ़ता से इस बात से आश्वस्त हूँ कि उल्का पिंडों की सामग्री में भारी महान गैसों तथा उनके आइसोटोप की स्टडी करने के लिए एक दौड़ सी मची हुई है तथा पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर चंद्रमा पर जीवन है या नहीं। वही वैज्ञानिकों ने जब ज़ेनॉन और क्रिप्टान जैसी महान गैसों की खोज करेंगे, जिन्हें पहचानना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, वे चंद्रमा के उल्का पिंडों में हाइड्रोजन या हैलोजन जैसे अन्य स्टेबल एलिमेंट्स की भी खोज कर सकते हैं। बुशमैन आगे कहते हैं कि जबकि ऐसी गैसें जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं है, पर फिर भी यह जानना दिलचस्प होगा कि ये महान गैसें चंद्रमा के का जब जन्म हो रहा होगा तो ये हिंसक गैसें कैसे बची होंगी। इस तरह के नॉलेज से जियोकेमिस्ट्री साइंस और जियोफिजिक्स के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के उत्पत्ति के विषय में नई तरह के मॉडल को विकसित करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये थी बात एक हालिया शोध की, जिसमें वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में नए तरह का प्रस्पेक्टिव ह्यूमैनिटी के सामने रखा है तथा यह सुराग भी निकाला है कि इस तरह की गैसों की उत्पत्ति कैसे होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।